थान अभी कोई भूत दिखियो के नहीं कोई नहीं दिखियो अब भूत ही बताओ जो भाई बेटा जे परसो रातां का रात इंदा सुजड़ हुआ अमर वशी अमर बसर फिर जफर वशी लेकिन मेरे यहाँ गाड़ी दूजनी सी छूट तैयारी से क्यों ना क्यों छत से रिमड़े बानगड़ा ने कसोग लाग्यो बानगड़ घणो ही चोखो लाग्यो और इनकी बहुत पुरानी पुरानी कहानियां हैं। नमस्कार, राम राम साहब, मैं राजेंद्र निवाणा आज थाने लेर चाल रही हूँ बानगढ़ और बानगढ़ का बारे में बताओ करी थी कि खूब सारा भूत रही थी तो आज आप पूरा बानगढ़ देखा ला और देखा ला कि भूत छी भी कोने या केवल एक अफवाह ही से तो चलो आज देखा जा बानगढ़। बानगढ़ जयपुर से करीब 84 किलोमीटर दूर है और वो अलवर जिला की राजगढ़ तहसील में स्थित है। लो जी, तो अब आपा बानगढ़ पहुंच गए सा और थे पहले एक बार बानगढ़ देख लियो सरसरी तौर पर, फिर आपा डिटेल में बात करा ला कि बानगढ़ के साथ कहीं कहीं गटे हो क्या वो पूरो ही उजड़ गो। भारतीय पुरातत्व विभाग के अनुसार ई बानगढ़ किला को निर्माण आमेर को राजा भगवंत दास 16वीं शताब्दी में करवाए छो और ई कमायने कई मुख्य मंदिर छी जामे चार मंदिर अभी भी छी और तीन परकोटा छी, मुख्य बाजार छे, कई दरवाजा छी जामे अजमेरी, लाहौरी, हनुमान गेट, फुलवारी और दिल्ली द्वार का नाम सो दरवाजा छी चारी मेर ने। तो देखो थे पूरो नज़ारो और भी थानो बतावला अभी। गढ़ का मायने अब वो मुख्य महल आगो जी का मायना आप चाला ला। तो देखो वो करीब 7 मंजिला वो महल बतावी छी शाही महल, अभी कमाए ने केवल 4 ही मंजिला का अवशेष बच रहे जी, बाकी सब डह चुका। बानगढ़ ने लेर खूब सारी किस्सा कहानी अभी प्रचलित छी, बामसु एक कहानी से रानी रत्नावती और तांत्रिक की कहानी। एक मायने यह है कि तांत्रिक बहुत कुख्यात छो, बहुत बड़ो छो और वो रानी ने आपका वश में कर बचाओ छो, लेकिन यह वह कौन पायो तो यीशु गुस्सो वे और तांत्रिक श्राप दे दियो, इस श्राप के कारण ही वो पूरो नगर उजड़ गो। लेकिन इतिहास की दृष्टि से कुछ अलग ही है, इन्हें मुगल आक्रमण कराया और पूरा गढ़ ने पूरा शहर ने तहस नहस कर दिया, खूब लूटपाट मचाया, खूब मारकाट मचाया, इस वजह से पूरा शहर ही नष्ट हो गो और लोग बाग जो बचा कुछ ऐसा भी इंडे सुप्लायन करगा ई वास्तव पूरा शहर को शहर उजड़ गो और बाद में कदे बस ही कौन पायो।
हालांकि पुरातत्व विभाग की तरफ से एक बोर्ड भी लाग रहे है जिक मायने लिख मिले कि शाम ने 5 बजे पाची ई गढ़ के मायने कोई ने भी आबो अलाउ कोने बिल्कुल मनाई छे। भैया बान गढ़ने देखवा इंडिया का आसपास का ही नहीं विदेशी पर्यटक भी खूब आवे जी और सब लोग बाग इन्हें एक बूथा की जगह मानी सी मतलब बूथ या गढ़। तो दोस्तों अब मैं पूछ चुके जा बानगढ़ की सबसे ऊंची चोटी पर और इंडिया में था न दिखावाला पूरो महल और पूरो गढ़ बारीकी सु था न देखो दे पूरो नजारो बहुत ही बढ़िया नजारो से वो ऊपर सु से सारो थाने दिख रहे हो लो आगे तक मंदिर दिख रहे हो जै और वो बड़ दिख रहे सी और पिछाड़ी ने मंदिर भी दिख रहे जै वो पहाड़ आगो और बिल्कुल पहाड़ की तलहटी पर छे वो और ए महल का कमरा सी जाना आपा रंगमहल भी कह सका जा और ये देखो बिल्कुल पूरा टूटी फूटी अवस्था में सी जीर्ण शीर्ण सी। अब था ने दूसरी तरफ को कॉर्नर दिखावा जा और वो देखो बिल्कुल एक प्राकृतिक दृश्य कतरो सुंदर छे भूता की बात तो खैर अलग छे लेकिन दृश्य बहुत ही बढ़िया छे। और अब वो वापस माए को इस दिखा रहा जाए मैं था ने अलग अलग कमरा सी एक कमरा सू दूसरा कमरा में जा रहा था और वो अब चौक आगो छे और चौक के बीचों बीच एक मंदिर छे और वो पूरो विशाल दृश्य देख सको जो थे ये गढ़ को गढ़ के मायने महल को और कुछ माँ के साथ और भी खूब सारा पर्यटक इन्हें देख रहे थे ते चारी में इन्हें देख सको जो कोई चोटी पर बैठे से कोई सेल्फी ले रहे से और सब बड़ा उत्साहित हो रहा है कि आज आप बूथ देख रहा वाला लेकिन अभी तक भूत कोई नहीं नजर को नाए हो मैं कई लोगों से बात भी करिया था थाने इंडे कोई भूत भी दिखे होगी पूरा बानगढ़ देख लिया अभी तक तो बंदी क्यों कही बानगढ़ का बारे में सब लोग बता भी चुके डरावनो से थे कहीं खोचो डरावने आने का ही बात को ना पहले राजा महाराजा रहे हो जो युद्ध युद्ध का चक्कर होता आधी दुकान छोड़ रहे फिर आकाशवाणी होता है फिर राजो रहे हो चो डे के अब तो कहीं को रात में बस इन जानवर की आवाज आओ कहीं को नहीं भैंसे अपने और माने खूब सारा पर्यटक इंडे मिले जी आंसू भी पूछा जाए कि बानगढ़ का शोक लागो बानगढ़ घणो ही चोखो लागो और इनकी बहुत पुरानी पुरानी कहानियां हैं जी के अनुसार बड़ी भूता जगह है या जो कहवे है कि एशिया की जो फर्स्ट 10 भूतिया जगह है हॉन्टेड प्लेसेस वो वहां में एक है और यो राजस्थान का एरिया की तो नंबर 1 जगह है। तो थारे कोई भूत दिखे होगे भाई भूत तो कौन दिखे तो डर सबने लागे छे कि 5 बजे बाद कोई रुके कोने ने कोई रुकसी कोई देख बाकी हिम्मत राखे तो वो कोई बता सके छे। मैं तो बार अठे कुछ गार्ड वगैरह ने कुछ अठे का लोगा ने पूछो भी और बोले भाई मैं तो आवा ही कोनी रात ने बैठे तो बट इशो में सुनियो और पढ़ियो कटे तो ज्यादा जानकार लोग हुआ करे इन लाइन का वे अठे रुकया और कोशिश करी और एक और कोई चैनल वाला भी आया है और कोई वीडियो वीडियो बनाया जी को बिल्कुल सब साफ हो गयो कहीं दिखे ही को नहीं हूं मैं एकदम साफ घनी फोटो खींची सब खींची रात ने पर जब सुबह चलाई अपना चैनल में जा तो सब खाली सफाई ये सुनियो है भाई। अच्छा भूता की बात छोड़ दे तो बी के अलावा था इनका शोक लागो प्राकृतिक के हिसाब से पर्यटन का दृष्टिकोण से यह बहुत बढ़िया जगह है। 16वीं शताब्दी में ये कोई किलो बने हो ये नगर ऊँ टाइम पे पूर्व साज सज्जा के साथ रहे हो नीचे बहुत बड़ो मार्केट है जी ने देखकर लागे है कि पहले के टाइम में
पूरी बसावट रही होली और घना मिणक रहता होला पूरो शहर लागे है अठे। राम राम जी प्रभु जी। राम राम जी। राम राम। आज माँ के साथ एक भूत विशेषज्ञ ऐसी जो था ने बतावेला कि इंडिया ने पूरे दिन सुबह सुबह देख रही है जी भानगढ़ माँ की आने कहीं कहीं दिखियो। प्रभु जी बताओ। अब देखो सा मन भूत तोड़े के हाल नजर आया को ना अभी तक तो, लेकिन मेरे यहाँ गाड़ी दू जनी सी छूट तैयारी से। अब यो मैंने पतो को ना दवा सु छूट रही से या कहीं बजे सु गाड़ी दू जनी सी छूटा सु तो कौन छूट रही। अब देखो भूत तो हाला देखियो तो कोने मो आ क्या चारी मेरे सु जानवर की जरूर वो आ जा रही थे पर जरूर क्यों न क्यों मैसाज जरूर हुआ थे क्यों न क्यों छे तो से रिमड़े पर अब आ क्या ही नहीं देखा देना कया खेर सका सा दवा की साथ भाई भूत छे एक भी न छे। और देखो इंडे एक शिव जी को मंदिर भी है जिन्हे आज भी पूजा अर्चना वे मैं था ने दिखावा शिव जी की बहुत बड़ी संगमरमर की एक प्रतिमा मिल रही है। हालांकि के लोक लाग रही है ज़्यादा पूजा अर्चना कौन वे लेकिन फूल पत्ती छड़ा मिले जी। तो वो मंदिर भैया देख वाला एक बहुत सुंदर मंदिर से वो संगमरमर का पत्रा को काम से था ने भी कोई भूत दिखियोगे? नहीं कोई नहीं दिखियो। अभी दो बार आ गई मैं यहाँ पे, मेरे को ऐसा कोई भूत नहीं दिखा। नेचर वाइज बहुत अच्छी जगह है बस। कतराक दिन आसू पानी पिला रहे जो कतराक बरस होगा मोन होगा 20 वर्ष ऊंचा होगा। 20 वर्ष रोजिना पानी पाओ जो रोजिना पानी धर्म करो तो कोई सेवा टे पाओ जो पीसा भी इकट्ठा हो जाए जी। सेवा पाओ तो कोई दे दिया तो मैं ले लू। हाँ। कोई नहीं दे तो मैं खोलू मांगू कौन कोई। ओ ये बानगढ़ की काई काई की जी मैं तो सुने मैं भूत रही जी भाई बेटी मैं तो कभी भूत को देखा तो फिर कहीं से भाई तो उम्र होगी भूत को दी क्या मैं तो को देखी तो फिर इन्हें कहीं से भूत आगे लावा। अब भूत ही बताऊं जी भाई बेटा जय परसों रात का रात था अमर बस की इंडा से उधर हुआ अमर बस ही अमर बस फिर जय पर बस तो इंडे सुई पाची अमेर बस ही इंडा से उधर हुआ अमर बसी अमर बसर फिर जफर बसी तो इंडे का ही सोगे थे इंडा का ही तो नींबू का त्राक दिन से बेच रहे 12 महीनों तो इंडे थाने बूथ को दिखेगे के थे नहीं माया रिची 12 नहीं आते 12 ने को ना वे 12 को ना तो माई माई नहीं रिची माया रिची बूथ माया रिची थाने कदे परेशान कौन करियो 12 का परेशान करियो माया जाओ को नहीं मैं 12 का परेशान करियो आज थे देखिया ओ तो ओछो बानगढ़ और बानगढ़ का बारे में खूब सारी किस्सा कहानियाँ छी। हालांकि भूत है कि ज़्यादा छी माने तो कोई भूत दिखे कोने मैं इंडे का लोकल लोगा सु भी बाता गया इंडे का ही पर्यटक सु बाता गया बाने भी कोई भूत कौन दिखियो लेकिन इंडे जरूर माने वो पूरी जांच पड़ताल करवा सु देख बसु पतो लागियो कि इंडे कोई जरूर यान की घटना घटी जाए या तो वह प्राकृतिक घटना हुए या कोई राजा महाराजा की आपसी लड़ाई हुए या पतो नहीं और कोई दूसरों कारण रही हो कि वो त्रोबड़ो शहर
एक वीरान हो गो, वीराना में तब्दील हो गो। तो अब बाकी के अलावा और का इंडे की सच्चाई से वो तो भगवान जाने, बाकी प्राकृतिक दृष्टि से और पर्यटका की दृष्टि से आ जगह बहुत ही बढ़िया से, बहुत सुंदर से, थे भी इन्हें देखबा हो।